स्टूडेंट्स, आई हम फिर से क्लास 7 के गति मोशन चैप्टर को लेकर आए हैं। पिछली कक्षा में हमने जो पढ़े थे उसके आगे बढ़ाते हैं। चाल के प्रकार को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम लोग चाल को दो भागों में बांटे हैं, दो प्रकार का दिखाते हैं, एक समान चाल और असमान चाल। एक समान चाल किसे कहते हैं, असमान चाल किसे कहते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। एक समान चाल, अगर कोई वस्तु की जो गति होती है वो सरल रेखा के अनुदिश होती है, किसके अनुदिश होती है, सरल रेखा के अनुदिश होती है, और वो कांस्टेंट होती है अर्थात नियत होती है, एक ही स्पीड में रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, तो उसे हम लोग एक समान चाल कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, किसी सरल रेखा के अनुदिश अगर वस्तु की चाल नियत होती है, क्या होती है, नियत होती है, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे लिखे हैं, किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है, कोई दिक्कत है नहीं। आगे हम पढ़ते हैं असमान चाल, किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाले की वस्तु की जो चाल होती है वो कॉन्स्टेंट नहीं अर्थात नियत नहीं होती है, बार बार बदलती रहती है, रैंडम मोशन में होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा हम लोगों ने लिखा है, किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो वस्तु की इस प्रकार के चाल को असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। अब हम लोग एक नई चीज पर पढ़ते हैं, आवर्तकाल से। आवर्तकाल सरल एक दोलन पूरा करने में जो समय ग्रहण करता है, जो समय लेता है, उसे उस सरल दोलन का क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग वाहनों में दो विशेष प्रकार के यंत्र लगे हुए देखते हैं। वाहनों की जो डैशबोर्ड होती है, डैक्स होती है, चाहे आप मोटरसाइकिल देख सकते हैं या कार देख सकते हैं या बस देख सकते हैं, उसमें एक डैशबोर्ड टाइप का साइड होती है जहाँ पर कुछ मशीन्स लगी होती है, आप देखे होंगे। एक जब आप वाहन चलाते हैं तो उसमें कांटा वाइब्रेट करते हुए दिखाई पड़ता है, ऊपर की ओर जाती रहती है, गाड़ी की स्पीड जैसे बढ़ती है वो ऐसे ही ऊपर की ओर जाता है, तो उसे हम लोग चाल मापी स्पीडोमीटर कहते हैं। वाहनों का चाल मापने के लिए वाहनों के लगे विशेष यंत्र को चाल मापी या क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। इसे किलोमीटर प्रति घंटा से दर्शाया जाता है, आप इसे देख सकते हैं, इस पर किलोमीटर प्रति घंटा का सिंबल लगा रहता है, जो क्या लगाता है कि आपकी जो वाहन है, गाड़ी है, किस रफ्तार से चल रही है। पथमापी या ओडोमीटर वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए वाहनों में जो विशेष यंत्र लगे होते हैं उसे पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था चाल निकालने का सूत्र, चाल में हम लोगों ने कहते हैं कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। हम लोग उसी से संबंधित यहाँ दूरी और समय निकालने के लिए आता है, दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय और समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। इस तीन फॉर्मूलाओं को आपको ध्यान में रखना है और इस अध्याय में आने वाले जो प्रश्न है वो इसी तीन सूत्रों के माध्यम से सॉल्व होने वाले हैं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, या इसमें जो मैथमेटिक्स डेरिवेशन है उसे हम नेक्स्ट कक्षाओं में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप इस